टेंशन मत लो, ये ना घर घर की कहानी है, ये आपके घर में भी हो रहा है और हमारे घर में भी। गाइस गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो आज ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है किचन से। क्यों हो रही है? आवे कड़ो वाले बनने हैं टोस्ट, सार्थक ने कहा कि पापा सुबह सुबह नाश्ते में खाने हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। और सबसे पहले महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस की और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो गाइस बस अब एवोकाडो वाले टोस्ट बनाना शुरू करते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बनते हैं। एवोकाडो का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जो आप मसाले डालोगे ना वैसे ही बनता है। मतलब उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो, प्लेन वाला भी बना सकते हो, उसमें टमाटो भी डाल सकते हो, ऑनियन भी डाल सकते हो, कैप्सिकम भी डाल सकते हो, पनीर भी डाल सकते हो, म्यूनिस भी डाल सकते हो, कैचअप भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मतलब उसको हम निकालेंगे और उसका बना लेंगे पेस्ट, उसके बाद बटर डालेंगे या थोड़ी सी म्यूनिस डालेंगे, क्या क्या चीज़ें डालेंगे आपको दिखाता हूँ। और मैं तो खाऊंगा खैर प्लेन, मुझे प्लेन बिल्कुल बेसिक अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा एवोकाडो का टेस्ट आता है, हल्का सा मसाला होगा, मसाले भी बेसिक होंगे, ब्लैक पेपर होगा, हल्का सा पिज्जा पास्ता वाला मसाला होगा और चाट मसाला और नमक बस, और कुछ नहीं। ज़्यादा हैवी वाले मसाले डालने नहीं, चिली फ्लेक्स भी आप डाल सकते हो आपके पास है तो। तो गाइज दिखाते हैं आपको कैसे बनते हैं एवोकाडो वाले टोस्ट। तो गाइज अब ये बनाते हैं एवोकाडो का मैश, करते हैं इसको और बनाते हैं इसके टोस्ट। तो मैंने इसे कर लिया है कट, अब इसको करते हैं मैश। गाइज इसको कर लिया है बिल्कुल खाली और ये पल्प निकाल लिया इसका मैंने। तो गाइज मैंने इसके मैश के अंदर डाल दिया है काला नमक, थोड़ा सा मेरे पास हब्स पड़े थे पिज्जा पास्ता वो डाले हैं, ब्लैक पेपर डाले हैं और थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा म्यूनिस। ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है एवोकाडो, बहुत ज़्यादा। और इसका बनाएंगे टोस्ट बटर वाला। और थोड़ी सी मैंने डाल दिया इसमें मेयो, यानी कि म्यूनिस डाल दिया, क्योंकि इसका एवोकाडो का अपना फ्लेवर नहीं होता, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो हमने निकाल लिया है टोस्टर, इसमें करेंगे टोस्ट ब्रेड को। गाइस ब्रेड बिल्कुल एकदम बढ़िया से सिक कर आ चुके हैं बाहर, इसमें लगाएंगे बटर अब। तो गाइस ये हमारा एवोकाडो वाले टोस्ट बनकर हो चुके हैं तैयार। इसमें आप चाहे तो ऑनियन भी डाल सकते हो, टमाटो भी डाल सकते हो, सैलेड भी डाल सकते हो, मगर इसका टेस्ट ऐसे ही अच्छा आता है। इसको अच्छी तरीके से मैंने क्रिस्पी कर लिया था, एकदम क्रिस्पी कर लिया था इसको, ऐसे जैसे ये वाला टोस्ट है बिल्कुल। इस पर लगा दिया था बटर और बहुत अच्छा टोस्ट होता है टोस्टर पे और बिल्कुल क्रंची फ्लेवर आएगा अब इसका। तो गाइज ये तैयार हो चुका है हमारा सुबह का हेल्थी वाला ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइज यकीन मानना बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, बिल्कुल सिंपल है। इसके ऊपर सार्थक है ना ऑनियन डाल के देना है मुझे। तो गाइज ये सिक्का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सिक्के की आवाज़ आ रही है ना, ये इसी बच्चे ने गिराया था आज से 17 साल पहले। इसके अंदर ये टोस्टर है, टोस्टर के अंदर इसने गिराया था, 1 रुपए का सिक्का है इसके अंदर। अब सार्थक देख रहा है इसको, हिलाना जरा सार्थक इसको, निकाला ही नहीं हमने खैर, ये आज तक सिक्का नहीं निकला, बच्चा था ना तब, बच्चा। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं देख रही थी भाभी के साथ ना, जरा बाहर तक जाना है, कुछ शॉप से सामान सामान लेने जाना है ना, सामान सामान लेने जा रहे हो? हां तो कोई देख रही थी, मैंने कहा तुम्हारा खाना वगैरह बना दिया है, अच्छा खा लेना। नहीं सुबह तो टोस्ट खा लिए थे, अभी बन गया, अब थोड़ी देर बाद खा लेंगे। कोई बात नहीं, मैंने खाना बना लिया, थोड़ी देर ना हो जाए इसी बारे में, बना के जाओ ना फिर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, जाओ आप। कितने सुंदर सुंदर से फूल खिल गए हमारी बगिया में, प्राजक्ता, ये प्राजक्ता के फूल है, इतने सारे फूल है, किधर ये छुपा हुआ है, ये सारे फूल बहुत सारे खिल गए। और ये भाई साहब खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हो? पापा मेरे साथ खेल लो। क्या खेलना है? क्रिकेट। मैं तो भूल के क्रिकेट खेलना नहीं आता आपको। तो गाइस बस काकू कह रहा है खेलने के लिए बैट बॉल, और ये भाई साहब अब डॉली गई हुई है, डॉली का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉली अभी आएगी थोड़ी देर में, और ट्यूशन से आ, अब ट्यूशन से ये आ चुका है। और ये बच्चे हमें देख रहे हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वो सामने दूर खड़े हुए बच्चे, वो दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं हमें, बॉल बहुत दूर खड़े हुए हैं। डॉली के साथ जाना जरा सामान लेने के लिए, क्योंकि घर का सामान लेना है थोड़ा सा हमें। यार कैमरा साफ करते हैं, यार कैमरा साफ करने वाला है। आपने जाना साथ में हमारे? आप घर पे बैठ जाना भाई साहब। नहीं ना 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 ना, तेरे को नहीं लेके जाता, तू परेशान करता है वहाँ पे, बाहर आते यार, बाहर जाके परेशान करता है। नहीं बस मम्मी आ रही है और तैयार हो जाए, मम्मी बस आने वाली है थोड़ी देर तक, ठीक है। अब बॉल कहाँ पे चले गई है? सामने वाले घर में गई है, चाबी लिया, लॉक खोल के जा रहा है अभी। मुझे परेशान करके रखा हुआ है खेलने के लिए, कोई है नहीं आज मेरे को लेकर, मतलब खेल रहा है बैट बॉल, आउट हो गया, आउट है। चैरी वगैरह कोई नहीं आया अभी?
कपड़े धोने वाला साबुन, सब कैमरे में आ रहे हैं इस वक्त। सब चल रहा है, आप क्या इधर आके करो, कैमरे में आओ, कैमरा मैन फोकस करो, कैमरा मैन फोकस करो। कौन मिला था, कौन मिला था डॉलिंग? हमारे सब्सक्राइबर मिले थे। अच्छा जी, क्या कह रहे थे? कईयों को तो पता ही नहीं हमारे वो चैनल मोनेटाइज बंद हुआ है, पता ही नहीं चल पा रहा ना ये। काफी लोगों को नहीं पता कि हमारा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है ना। अब करते हैं नाम चेंज करते हैं, अब करते हैं। काफी आज सजेशन आ गए हैं। फैमिली लेके तो रख दो ना, कोई बात नहीं, बसरा फैमिली रख दो, डॉली की दुनिया, डॉली की दुनिया, ये भी नाम सजेशन आया, डॉली की दुनिया और बसरा फैमिली। ये भी बसरा फैमिली के है, ये भी अच्छा बसरा फैमिली, ठीक है ना। देख लो भैया, साथे से पूछ लो, देखते हैं। वो नहीं, कई मेरे पास एक कमेंट्स आया, उन्होंने लिखा है इंग्लिश नाम है, हमें समझ ही नहीं आता। समझ तो आती है पर थोड़ा अजीब सा लगता है ना। चलो चलने दो, फिर तैयार हो जाओ, इसको छोड़ो, इसको नहीं लेके जाते, इसको छोड़ो घर पे, हम दोनों चले घूमने। क्यों काकू है, नाराज हो गया हमसे, बहुत ज्यादा परेशान हो रखा है बेचारा, सुबह से दुखी हो रखा है। आज छुट्टी वाला दिन कहीं पे नहीं गया, क्योंकि डॉली कहीं काम गई हुई थी, मैं घर पे था, आज ही उदास। मेरे बिना चले जाते, उस दिन भी तो गए थे, आज भी चले जाते, क्या दिक्कत थी? मैं भी नहीं गए थे। वो तो आपको संभाल लेना है ना, जो आप घर का ले गए। तो गाइस काकू हो चुका है हमसे नाराज, बोलना कर दिया है काकू ने, बंद बंद कर दिया, नाराज हो गया पुट्टू। चलो आओ मेरा पुट्टू, चलो चले अब घूमने, थोड़ा सा घूमाते हैं बाहर। चलो आओ, हम काकू को घुमा के लेके आए तो खुश हो जाएगा। जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, थोड़ा सा चलते हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे मिलेंगे वहीं पे, बड़े दिनों के बाद डायलॉग मारे ना। चलो जी, हम जा रहे हैं कहीं पे मिलेंगे वहीं। हां जी, तो गाइस बॉक्सिंग में जीत कर आई है प्यारी सी बच्ची एकता, कॉन्ग्रेचुलेशन एकता जी आपको बेटे, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो एकता जी ऐसे ही बॉक्सिंग में बनते हैं, ये आ गया कि देश का नाम रोशन कीजिए आप, थैंक यू। आ गया काकू ने अपना स्टॉक भरना शुरू कर लिया, क्या लिया अभी तक? डॉली को सब्सक्राइबर मिल गया, उनसे बात कर रही है डॉली। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? कोको बुक लेनी है आपने, ले लो, दो तीन निकाल के रख लो आप, ठीक है। इसमें फ्रूट भी है, फ्रूट भी है, पल्पी भी है, वन प्लस वन है ये वाली भी, तो लो आप कह लीजिए। सारे बिस्कुट वन प्लस वन है और यूनिबिक के, और ये भी बॉन बॉन भी हमने ले लिया, वन प्लस वन है, हैप्पी हैप्पी भी वन प्लस वन है, सारे प्लस वन प्लस वन है डॉली, सारे बिस्कुट हमारी। वो क्या है, कैप कहाँ पर है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। और कुछ ये हमने दो लिए, दो लिए तो कोई बात नहीं, दो और ले लेते हैं। और कुछ लेना है, न्यूट्री चॉइस बिस्कुट लेने आपने? देखो देखो कुरकुरे कौन से है, जो कुरकुरे वहाँ पर चलते हैं लेने के लिए। आप क्या रुके हो, पर्क दिखाइयो, वन प्लस वन है जी। तो गाइज ये भी पर्क वन प्लस वन है, ले लो आपने। इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस देखियो, 99। हाँ चार ले लो फिर आप, चार पैकेट ले लो चॉकलेट वाले, भर लो भर लो जितना भरना है। ये ले लिया मैंने सार्थक के लिए, पीनट बटाला बटर चॉकलेट चॉकलेट वाला, हाँ चॉकलेट वाला क्रंची है जी, क्रिस्पी। अरे कैसा देखते हैं, दाना मैंने उसको पहला है 650 का, 455 और का पड़ा है, 454 रुपए का पड़ा है, 650 रुपए का। हाँ जो सार्थक लेते हैं वही वाला क्रंची वाला है। और कुछ लेना है बताओ, अब क्या क्या लेना है? ग्लूकोज नहीं मिला, नहीं वो तिलक नगर से लाना पड़ेगा, नहीं है ही नहीं, ग्लूकोज नहीं है घर पे। अच्छा जी, ये क्या ले लिया है सार्थक? हर्षी सिर्फ ले लिया इसने, वो छोटे वाले मिले पेटी तो इसका। और क्या लेना है आपने बताओ? अच्छा वो सॉस लेनी, सॉस सॉस सॉस, हाँ देख लो, म्यूनिस सॉस, म्यूनिस पड़ी हुई है अभी है? हाँ सॉस नहीं है। सूजी वाला पास्ता लिया है हमने, ये पड़ा है वन प्लस वन, 75 रुपीज़ का एक पड़ा है, यानी कि 150 रुपये के दो हो गए ना, एक सूजी वाला 75 रुपीज़ का पड़ गया। और अब कैचअप देखनी है आप, वार्म चीज लेनी है आपने, उसका अचार लेना तो ले लो आप, म्यूनिस ले लिया मैंने। और कुछ लेना है आपने बताओ? और पता ही नमकीन की वो आइटम देख लो, पीने का कुछ देखना देख लो। चॉकलेट सिरप लेना है आपको? चॉकलेट सिरप लेना है, ले लिया पूरी रेडी भर लिया आपने, ये
बबल गम वाले फ्लेवर है इसने। यस सर, आप दे तो रहे थे मुझे, ले 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 ले। और कुछ लेना है आपने? डॉली जी और कुछ लेना है? बस चले अब। इतना सारा सामान हो गया कहाँ पे भर? हाँ तूने ही अपना इतना सारा भर लिया सामान? मैंने तो थोड़ा सा लिया, आपने लिया सामान तो। अच्छा मैंने नहीं लिया। हर बार मैं ही सामान। इल्जाम पे ये जो मैं अभी दिखाऊंगा घर जाके, इल्जाम घर जाके दिखाऊंगा पिक्चर। फ्रूट वाली मिली है, फ्रूट रश मिला है, एक के साथ तीन फ्री हैं। 150 की डॉली पड़ रही है हमें, चार बोतलें ये वाली। एक लीटर की है ना पापा? ये एक लीटर दी है ना? एक लीटर की है ये वाली भी ले ले चार। सारा सामान रह गया था भाई साहब, चीनी निकालना यार 5 किलो वाली। चीनी हमारी रह गई थी, मस्टर्ड ऑयल रह गया, बस खाने पीने का सामान देख रहे हैं। और ये सारा सामान तो हमारा रह ही गया था। वाह भैया कितने की 5 किलो वाली राजमंदिर की? 215 रुपये की राजमंदिर की 5 किलो की चीनी मिल गई हमें। और मस्टर्ड ऑयल कहाँ पर है भाई साहब? मस्टर्ड ऑयल बता दीजिए। चीनी भी रह गई थी, दोनों चीज़ें रह गई थी। खाने पीने का तुम सारा चीज़ देख ही जा रहे हो यार, खाने पीने के लगे हुए हो तुम लोग दोनों जने। अभी वाला दिन है, कितना रश लगा हुआ है अभी ये देख रहे हैं। अभी नंबर आने में टाइम लगेगा, हमारा बिल बनने में टाइम लगेगा। अभी पूरा महीने का ही सामान ले लिया आपने, सारा पूरा भर गया हमारा। महीने का सामान अभी तो कम है, अभी महीने का कम है इतना सा। ये खाने पीने का लिया ज़्यादातर सारा सामान तुमने। अभी खाने पीने का सामान आया, घर का नहीं आया। चलो हो गया ना, चलो आओ फिर। चलो हो गया सर आपका बिल? हाँ हो गया जी, दे दो बिल, दे दो मेरे को आप, बहुत लंबी पर्ची है। चलो जी आओ, खाना खा रही नीचे बैठ के। आज मैं देख रही थी चटनी बनाई है ना, तो मैं देख रही थी खा के कैसे बनी है। हाँ खा के देखो, ये चटनी बड़ी अच्छी बनी है। और ये हाँ, ये तो आप टेंशन मत लो, ये ना घर घर की कहानी है, ये आपके घर में भी हो रहा है और हमारे घर में भी पहले होता था और अभी भी हो रहा है ना। तो आप टेंशन मत लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये तो हर किसी के घर में होता है। हाँ वो तो है, घर घर की कहानी है, पता ही नहीं लगता बिल्कुल। तो मैं ऊपर आके देखती हूँ अभी क्या हुआ ऊपर, ठीक है? ऊपर आके चेक करती हूँ। हाँ जी, क्या देख रहे हो? बिल दिखा है, मैं देख रही थी बच्चा हाँ, देख रहे थे इतना बड़ा बिल किस चीज का? ये गाइस घर घर की कहानी है, आपके घर की भी होगी, भाभी के घर की भी ये है, सबके घर की कहानी है। ये राशन का बिल है, घर घर की का राशन भी नहीं आया है, खाने पीने की उल्टी सीधी चीजें, राशन भी लाना है, अभी दालें लानी है, सब वगैरह साबुन बहुत चीजें लानी थी, लेट हो रहे थे। मैं कहा चलो बाद में, कहां से लेकर आए हो? राजमंदिर से आया, कई चीजें 1+1 मिल जाती है ना, सही मिल जाती है सही। अब जैसे पास्ता था 1+1 मिल गया, मना हाँ पास्ता खाना था, बाकी मतलब रिफाइंड ऑयल है 92 रुपए का मिला, मस्टर्ड ऑयल भी जो कच्ची घानी वाला है बाहर 145 का, यहाँ भी 132 का मिला है। काफी चीजें सस्ती मिल गई है, चॉकलेट एक के साथ एक फ्री है। राज मंदिर ये शीतल मंदिर के पास है, हाँ हाँ हाँ, ये नया खुला शीतल मंदिर के पास। वहाँ पर मिल जाएगा सही, सारी चीजें अच्छी है। चीज स्प्रेड है, मतलब 100 रुपए की दो है, मदर डायरी की अच्छी है, 1+1 की है, कोल्ड ड्रिंक है, एक के साथ चार तीन फ्री है। सही था सही था, रोज ही मतलब सैटरडे स्कीम आती है, संडे स्कीम आती है। हम तो अभी गए हैं, देख गए थे, थोड़ा बहुत सामान लिया बस, बाकी और लेना भी कर, बाकी ग्लूकोज लेना था वो नहीं मिला, साथ का मेन प्रीनेट बटर लेना था। हाँ काफी चीजें जल्दी मिल जाती है। तो गाइस इसी के साथ टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का। आज नीचे बैठे हुए थे निक्की के पास, थोड़ा सा निक्की बता रही थी अपनी स्टोरी, उन्होंने निक्की के ब्लॉग में देखना वो उसने क्या बताया। हम नए मेहमान से मिलने के लिए आए थे ना, नए मेहमान से मिले हैं, निक्की के पास आया और एक स्टोरी बताई है, बहुत ज्यादा हॉरर है, एक बार निक्की के ब्लॉग में आप देख लेना। तो हम कर रहे हैं इसके साथ ब्लॉग का एंड। और आप सही कह रहे हो, नॉनवेज में पहले खाता था, क्यों डॉली काफी टाइम हो गया ना हमें छोड़े हुए, बहुत टाइम हो गया, अब छोड़ दिए नॉनवेज तो आपको छोड़े काफी टाइम हो गया। हाँ नॉनवेज हमें छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, 4 साल तो हो गए एक्चुअली। ये तो खाते ही नहीं थे, सही बताऊं मैं अपनी घर से जब आई थी तब थोड़ा बहुत खा लेती थी, अब बिल्कुल ही बंद हो गया, अब बहुत बंद हो गया, मतलब हमारा कम ही हो गया, मतलब कम क्या, हम खाते ही नहीं है, पहले खाते थे अब खाना छोड़ दिया। तो आपने सही कहा है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, कल आपको मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। आप सब लोग अपना ध्यान रखना और हम सबका प्लीज ध्यान रखना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत बोलना। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।